हाय फ्रेंड्स, बारिल इंजीनियरिंग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बात करेंगे इंडिया में जो है कितना पावर कंज्यूम करता है, मतलब इंडिया में कितना पावर का रिक्वायरमेंट होता है, कितना सालाना पावर का खर्च होता है, ठीक है। और इस पावर को तैयार करने के लिए, मतलब कि एक पावर प्लांट का जो कैपेसिटी होता है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सा डिवाइसेस का पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जो पावर प्लांट का कैपेसिटी होता है, मतलब कैपेसिटी मतलब इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है कि हर दिन कितना पावर दे सकता है, ठीक है। तो वो है आप लोगों का 161,352 मेगावाट का, ठीक है। अब कौन सा प्लांट से कितना पावर लिया जाता है, ठीक है। तो पहले आता है थर्मल पावर प्लांट। मैक्सिमम पावर थर्मल पावर प्लांट से लिया जाता है जो कि है 95,151.74 मेगावाट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पावर है और ज़्यादातर पावर थर्मल पावर प्लांट से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कैपेसिटी देता है 4,120 मेगावाट का, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ा डेंजर है इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता। सेकेंड जो आता है वो होता है हाइड्रो प्लांट्स में जो कैपेसिटी होता है वो होता है 36,877.76 मेगावाट का, ठीक है। तो जो कि ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, क्योंकि ये इसके जो रिसोर्सेस है, मतलब वाटर तो फ्री ऑफ कोर्स है, तो इसीलिए हाइड्रो का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट जो कि इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है, मतलब इसके पावर जनरेशन कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ही लो होता है, फिर भी इसका कैपेसिटी जो इंडिया में है वो है 1,324.41 मेगावाट, ठीक है। तो अब जो है परसेंट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैपेसिटी कैसा है, ठीक है। परसेंट के हिसाब से जो है थर्मल पावर प्लांट जो है 75% जो रिक्वायरमेंट होता है उसका 75% हिस्सा हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाइड्रो से हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है 20% और न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है 4%। सोलर पावर प्लांट जो है सिर्फ 1% ही प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। और विंड पावर जो है विंड पावर से लगभग 9,655 मेगावाट जनरेशन देता है, ठीक है। तो ये हो गया कि इंडिया में पावर कितना रिक्वायरमेंट होता है और कैसे उसको प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन सा प्लांट से उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो देखेंगे कि पावर प्लांट में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मतलब पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो डिवाइसेस को लगाया जाता है प्लांट में, वो डिवाइसेस कौन कौन सा है, ठीक है, और वो डिवाइसेस क्या क्या काम करता है, आइए देखते हैं। ये है एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंबल्स दिया गया है, ये ऐसे जो कलर है उसको स्टीम से डिनोट किया गया है, इससे कोल को, इससे एस को, इससे वाटर को और इससे जो है फ्लू गैसेस को, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट जो होता है, मतलब कोल टू इलेक्ट्रिसिटी, वो बॉयलर के जरिए स्टीम में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर टर्बाइन में दिया जाता है, तो टर्बाइन रोटेट करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को जरूरत पड़ता है जो है वो वाटर की, तो वाटर हम लोगों को जो डिएरेटर से आकर के
बॉयलर फीड पंप के जरिए वो बॉयलर में जाता है। तो फीड पंप क्या है? फीड पंप और कुछ नहीं, एक पंप है सिर्फ, जो हम लोग घर में यूज करता है वो इसी तरह का पंप है, लेकिन इसका जो है मल्टी स्टेजेस रहता है, मतलब इसका कैपेसिटी बहुत हाई रहता है और इसका प्रेशर बहुत हाई रहता है। क्योंकि अगर प्रेशर हाई नहीं होगा तो बॉयल मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो बॉयलर के अंदर हम लोग वाटर को नहीं घुसा पाएंगे, तो इसलिए प्रेशर को इनक्रीज किया जाता है। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करने का फायदा ये है कि स्टीम जल्दी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर को प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है तो खाना जल्दी बनता है। ठीक है, इसके बाद बॉयलर फीड पंप से जाता है इकोनोमाइजर में। ठीक है, तो इकोनोमाइजर क्या करता है? इकोनोमाइजर ऐसा डिवाइसेस होता है जो मतलब पानी को बॉयलर में पहुंचने से पहले ही थोड़ा हीट कर देता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर देता है। कैसे? जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुआ कोयला जला के, वही फ्लू गैसेस को इधर से पास करवाया जाता है। ठीक है, और ये ट्यूब होता है, ट्यूब के जरिए जो है पानी को बहाया जाता है। ठीक है, पानी को दिया जाता है, तो फ्लू गैसेस जब इसके टकरा के मतलब पाइप के ऊपर टकरा के जब जाता है इधर से इधर, तो पाइप गर्म होता है और उससे पानी भी गर्म हो जाता है। तो यही है इकोनोमाइजर का काम। ठीक है, अब इकोनोमाइजर से आ गया बॉयलर में, तो पानी जब बॉयलर के अंदर घुस गया तो उसको स्टीम बनाना जरूरी है। अब स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, तो हीट के लिए कोयला को जलाना पड़ेगा, लेकिन कोयला तो सिर्फ अकेले नहीं चल सकता, उसके लिए जो है हवा की मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे लिया जाएगा? अब जो है एटमॉस्फेरिक एयर को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से एयर अब देख सकते हैं, एयर का एक सर्किट है, तो एयर एटमॉस्फेरिक से आके पहले जो है एयर प्री हीटर में जाता है, और ये जो फ्लू गैसेस के लाइन होते हैं आप देख सकते हैं, फ्लू गैसेस के लाइन सुपर हीटर इकोनोमाइजर से लेकर एयर प्री हीटर, फिर ESP से लेकर फिर चिमनी तक जाता है। ठीक है, तो वही फ्लू गैसेस से सब जो है गर्म होता है। तो एयर प्री हीटर में क्या होता है? एयर प्री हीटर में जैसे इकोनोमाइजर में पानी को गर्म किया गया था बॉयलर से घुसने से पहले, वैसे ही एयर को घुसने से पहले भी एयर को थोड़ा गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे इकोनोमाइजर में हुआ था वैसे ही हुआ है, जो फ्लू गैसेस है उसको इस तरफ से पास किया जाता है और एयर को जो है मतलब एटमोस्फेरिक एयर को इस तरफ से पास करके निकाला जाता है, तो एयर जो फ्लू गैसेस में कॉन्टेक्ट में आ करके एयर भी थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब एयर जब घुस गया तो कोयला जलने लगेगा, तो कोयला जल गया तो स्टीम भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब स्टीम प्रोड्यूस हो गया तो उस स्टीम को ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो टरबाइन है, टरबाइन में अगर हम ऐसे ही स्टीम दे दें तो वो कोरोशन मतलब टरबाइन में जंग पड़ जाएगा और कुछ ही दिन में टरबाइन जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, स्टीम को सुपर हीटर में दे करके सुपर हीटेड स्टीम बनाया जाता है। सुपर हीटेड स्टीम मतलब स्टीम का क्वालिटी एकदम जो है गैस की तरह हो जाता है, जिसमें वाटर पार्टिकल्स का प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, तो सुपर हीटर वैसे ही काम करता है जैसे इकोनोमाइजर और एयर फ्री हीटर काम किया था। ठीक है, स्टीम जो है वो पाइप के जरिए फ्लो किया जाता है और फ्लू गैसेस को एक तरफ से पास किया जाता है, तो फ्लू गैसेस के जरिए वो स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो स्टीम में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था पहले, अब वो वाटर मॉलिक्यूल भी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो स्टीम जो है एकदम एयर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सुपर हीटर में जाने के बाद अब जो है ESP से वो फ्लूइड
फ्लू गैसेस जो है ईएसपी से बाहर निकल जाता है। अब ईएसपी क्या है, ईएसपी मतलब फ्लू गैसेस के साथ जो एस पार्टिकल रहता है और जो मतलब एस पार्टिकल होता है वो लोग एस पार्टिकल को अगर एटमोस्फेरिक में छोड़ दे तो एटमोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, मतलब दूषित हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें रहता है एस पार्टिकल उसको रिमूव करने के लिए ईएसपी के जरिए वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और फिर चिमनी के जरिए वो एटमोस्फेरिक में छोड़ दिया जाता है। अब जो है कंडेंसर, तो कंडेंसर क्या है ये आपको आपके फ्रिज के पीछे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जो टरबाइन में टकराने के बाद जो स्टीम बचा तो वो स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाता है। तो और कुछ नहीं, छोटा ट्यूब होता है मतलब पाइप होता है जिसके जरिए अगर वाटर को पास किया जाए तो वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी में कन्वर्ट होने के बाद उसको फिर ठंडा किया जाता है कूलिंग टावर के जरिए। कूलिंग टावर क्या होता है, ऐसे आप लोग देखा हो गया। ठीक है, ऐसे हॉट वाटर को इस तरफ से लाया जाता है और इसके अंदर स्टील का बहुत सारा जाली 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 रहता है। ठीक है, जिससे हॉट वाटर टकरा टकरा के नीचे पड़ता है, तो नीचे गिरता है। ठीक है, तो गिरते गिरते जो है उसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन होकर तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, तो इसलिए जो है वाटर का टेम्परेचर बहुत ही घट जाता है। ठीक है, और ऊपर एक फैन दिया जाता है जो नीचे से एयर को एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है, तो वो हीट को अपने अंदर से पानी के अंदर से हीट को रिमूव करके ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा देखने को होता है कूलिंग टावर, ये जो जाली जाली होता है यही इसी में पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है टकरा टकरा के। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा, और कुछ बोलना चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।